आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, तो आप सभी लोग अपने अपने घरों में उनका जन्मदिन मनाते हैं, मंदिर भी जाते हैं ज़्यादातर लोग, और घर में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम भी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले हम उनको नहलाएंगे। इनको जा रहे हैं नहलाने। इनके लड्डू गोपाल बहुत सारा गहना पहने हुए हैं, वही अभी निकाल रहे हैं, फिर नहला के उनको फिर से पहनाएंगे। बस लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे का टाइम करीब आ रहा है। ये बाद लड्डू गोपाल आज ना आ रहे हैं हमारे, बस इनको अच्छे से साफ करके नहला दे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बहुत दिन के बाद नहला रहे हैं। हम नहला रहे बहुत दिन के बाद नए मौके पे, तो आज उनको स्नान करा रहे हैं। तो हमने कहा जब स्नान करा रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से इनको कर दे कि ये चमक जाए मेरे लड्डू गोपाल साफ साफ एकदम। देखिए लड्डू गोपाल नहा लिए हैं, अब इनके वस्त्र दिखाते हैं, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र आए हैं। देखिए आज हम अपने लड्डू गोपाल को खूब सुंदर सा तैयार करेंगे, और इनके बहुत सुंदर से हम कपड़े लेकर के आए हैं, तो सारी चीजें जब तैयार कर लेंगे तभी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो बस हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो इनके वस्त्र वगैरह सब कुछ पहनाने के बाद हम इनके दर्शन आप लोगों को कराएंगे। हम लोग क्या दादी मेरी थी, तो दादी खूब सिल सिल के इनको पहनाती थी, बहुत ढेर सारे कपड़े इनके हो गए थे गोपाल जी के। तो बस मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए तैयार हो रहे हैं, ये देखिए ये हाथ का है ना। ये है माला लड्डू गोपाल की, इनको ये वाला है हार पहना। ये मुकुट हो गया, हाँ ये छोटी सी पंख हो, पांच बांसुरी होगी, इसी तो फिर बांसुरी, ये नहीं बांसुरी नहीं थी, ये देखिए ये बांसुरी है इनकी। ये देखिए लड्डू गोपाल हमारे तैयार हो गए हैं, अब इनका जा रहे हैं हम लोग पूजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी रख दीजिए मोर पंख लेके आए थे भगवान से इनके पास।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरी पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है पूजे की, और कान्हा जी को भी खूब अच्छे से हम लोगों ने नहला धुला के श्रृंगार कर दिया है उनका, और बस अभी दीपक जला करके पूजा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बस आज हम लोग कान्हा जी को स्नान करा रहे थे तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए कि कैसे हम लोग भगवान की पूजा प्रारंभ करते हैं और किस तरह से शुरुआत करते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस अभी दीपक जलाने के बाद कान्हा जी को भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद हम लोग कान्हा जी के बहुत सारे भजन बैठ करके गाएंगे। तो आप लोग भी आई होप पूजा प्रारंभ करने वाले होंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, 12 बजे उनका जन्म होना है और अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं, अभी हम लोग को मंदिर भी जाना है। तो बस मिलते हैं हम आपसे फिर से नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों ने पूजा कैसे की मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैंने तो जो पूजा की वो आप लोगों के साथ अपना शेयर किया है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।